नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल में आपको। तो आज मैं एक अकाउंट का रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्त का नाम है अंतु और ये अपना अकाउंट दिया है। पिछले एक साल से शायद ये ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन में पहले डिलीवरी में इंटरडे कर रहा था, अभी बाद में ऑप्शन में आया है। तो ऑप्शन में देखिए कैसे लॉस खाया है इसको। ये जो लॉस खा है इससे हम लोगों को कुछ सीखना है, क्योंकि एवरेज करना बहुत बुरी बात है ऑप्शन में। अरे यही गलती किया है, एवरेज कर करके देखिए इसको हालत क्या हुआ है। अभी ये स्ट्रेट करना छोड़ दिया, अभी स्ट्रेट कर लिया हूँ 2019। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 2.2 लाख का लॉस और माइनस है ओनली 70.17। 77,000 लॉस किया है और आपका चार्ज दिया है, चार्ज यहाँ पर चार्ज दिया है 1.49 लाख, टोटल होगा 2.27 लाख। तो उसको मैं पूछा कैसे हुआ, तो देखाया देखिए बोला जब भी मैं डाउन मारता था सोच रहा था 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, बैंक निफ्टी है बाबा 10 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं देता, जब भी देता है छपर छा पार के नहीं तो नहीं। तो ये 10 पॉइंट 20 पॉइंट के चक्कर में देखिए जहाँ प्रॉफिट हुआ, देखिए 50 क्वांटिटी 230 में एंट्री किया, 231 में एग्जिट हो गया है, 231 में 250 क्वांटिटी देखिए, मतलब ये एवरेज किया है इसलिए हम लोग को दिखा रहा है ऐसे। यहाँ पर देखिए 250 जहाँ लॉस हुआ है, देखिए 13 रुपया 100 रुपया 36 रुपया जहाँ लॉस हुआ है 1454। इसका मेजर लॉस और भी है, देखिए यहाँ पर 4634 रुपया और भी लॉस है। तो ये सब लॉस देख के हम लोग को क्या सीखना है, देखिए यहाँ पर देखिए एक डेट है 810 रुपया, 100 क्वांटिटी में 810 रुपया प्रॉफिट, या 50 क्वांटिटी में बड़ी वाला प्रीमियम है 1760 रुपये प्रॉफिट, 1300 रुपये। यहाँ पर 400 क्वांटिटी में 4932, 119 के भाव में ख़रीदा है, 131 के भाव में बेच दिया है। देखिए जब प्रॉफिट हुआ कितना छोटा छोटा, देखिए ये देखिए जब लॉस हुआ तब कितना बड़ा लॉस हुआ, देखिए 140 में बाय एवरेज 140 में और 133 में बेच दिया, और क्वांटिटी देखिए एवरेज कर करके क्या किया है। देखिए दोस्तों और एक बार 11400 को पुट में काम किया है, देखिए जब प्रॉफिट हो रहा था, जब इसका प्रॉफिट हो रहा था तब देखिए 40,687, और जब लॉस हो रहा था वहाँ पर एवरेज कितना है 7875 क्वांटिटी। सोचिए यहाँ पर 12,000 का लॉस लिया है, अगले दिन यही लॉस रिकवरी के चक्कर में फिर लौट लिया 11400 के पी में काम किया है, 21,450 क्वांटिटी। सोच सकते हैं ओवरटेक कितना हुआ है, वहाँ पर अपना इमोशनल कंट्रोल कर नहीं पाया, वहाँ पर लॉस हुआ है देखिए 19,234 रुपया। तो ये सबको एवॉइड करना चाहिए, सब यही बात सोच रहे थे 90 रुपये कोई प्राइम चल रहा है, हम लोग 80 रुपये में खरीदेंगे तो 85 हो गया, फिर आप सोच रहे हैं 90 रुपये चल जाएगा तो नहीं हुआ, फिर 80 रुपये में खरीदे तो 70 रुपये चलेगा सर, फिर 70 रुपये में खरीदे तो फिर 60 रुपये में चल जाएगा, ऐसे ही इसको किया है। सोचा था 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया कभी निकल जाएगा तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे, लेकिन वो प्राइस आया ही नहीं। और एक बार दोस्त देखिए, देखिए यहाँ पर 2225 क्वांटिटी में ट्रेड किया है, 4000 लॉस 11600 के पुट में, यहाँ पर देखिए वही लॉस है 11700 के पुट कॉल में 5475 क्वांटिटी, फिर 1200 लॉस, यहाँ 5000 लॉस, यहाँ पर 6000 लॉस 1985। ये डेली यही सोचता था जब 5 रुपये लेके 10 रुपये लेके ट्रेड से निकल जाऊँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कम क्वांटिटी में आपको बड़ा पॉइंट निकालना होगा तभी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अभी तक जो जितना भी इसका अकाउंट चेक कर रहा हूँ तो इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट देख रहा है मेरे को 15,700 का कॉल में
2775 क्वांटिटी, मतलब 2 रुपया भी नहीं ले पाया, 34-35 में बेचा है, 35-96 ओवरटेक कितना बजे के, यही मुझे देखा है अभी तक, 3,900 और भी देखता हूँ क्या है इसमें। ये देखिए दोस्तों, और एक दिन फंस गया है यहाँ पर, देखिए ये एक्सपायरी का दिन है, समझ में आ रहा है, एक्सपायरी का दिन यहाँ पर 4 रुपया में एक ख़रीदा है, मतलब एवरेज करते करते किया 8,100 क्वांटिटी, 23,000 लॉस, जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट मैं देखा हूँ 4,000 से 5,000 एक बार में, यहाँ पर अगले दिन 4,000 प्रॉफिट, वो भी 3,750 क्वांटिटी में। और अभी देखिए 4 रुपये में ख़रीदा है, 146 में बेच दिया है 8,100 क्वांटिटी। ये होता है ओवर ट्रेड करना, मतलब एवरेज करते जाएंगे एक्सपायरी में तो आप फंस ही जाएंगे, एवरेज करना बहुत बढ़िया थे। अरे बाप रे, यहाँ पर देखिए 50,000, इसको देखेंगे यहाँ पर देखिए 50,000, 5,335, 50,000, 15,800 के कॉल में, 43 के भाव में ख़रीदा है, 34 को भाव में बेच दिया है, कितना बाबा 5,350 क्वांटिटी, 50,000 का लॉस। तो यहाँ पर 2 दिन में इसका हो गया 70,000 लॉस। यहाँ पर फिर देखिए ये एक अकाउंट है, यहाँ पर 13,000 का लॉस, 15,980, 15,900 का सी, देखिए ओवर ट्रेड करके मैं अभी तक मैं प्रॉफिट ही देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ हुआ है ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं। यहाँ पर देखिए 3,700 क्वांटिटी में एक पुट लिया है 17,250 का, यहाँ पर 4,000 लॉस। यहाँ पर जब प्रॉफिट हो रहा है तब देखिए 300-200 हज़ार, यहाँ पर देखिए 11,720, 17,400 पुट में, 17,400 का सी में, मतलब दोनों बाइक खेल रहे क्या। यहाँ पर 9 रुपये के भाव में ख़रीदा है एक्सपायरी के दिन, समझ ही पा रहा हूँ, और 7 रुपये में बेचा, 4,700 क्वांटिटी। वाह, 4,700 क्वांटिटी। तो ये दूसरे के अकाउंट से हम लोग को सीख लेना है, जो स्टॉक मार्केट में कभी भी कितना भी पैसा रहे आपको, कितना भी कॉन्फिडेंस रहे, जब एवरेज करके मार्केट से निकल जाएंगे ये पॉसिबल कभी नहीं है। आपके पास जितना पैसा रहेगा वो पूरा खा लेगा, क्योंकि ऑप्शन में एवरेज करके आप पार नहीं पा सकते हैं कितना भी कैपिटल है। देखता हूँ आगे इसका कॉल लॉस कितना है, और एक जगह देखा हूँ, देखिए यहाँ पर 17,100 का पुट में 7,450 क्वांटिटी बाई किया है, 40 रुपये भाव में, 39 में बेच दिया है, मतलब ये भी एवरेज, लास्ट में जब 4,000 इसको लॉस दिखाया, 4,720 ये छोड़ दिया। देखिए इसका यही है 1,600 प्रॉफिट, 3,000 यहाँ पर देख रहा हूँ प्रॉफिट, 3,000, 4,000, 5,000 से ज़्यादा नहीं है, है प्रॉफिट लेकिन 3,000, 4,000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जिस दिन लॉस लिया है बड़ा बड़ा लॉस, देखिए 1,600, 1,902, फिर 750। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी सबसे कुछ प्रॉफिट नहीं है, 5,550 का क्वांटिटी, अरे प्रॉफिट ओनली 3,767 रुपये का। आगे देखता हूँ और कितना है, देखिए दोस्तों 16,800 का पुट में यहाँ पर 1,300 क्वांटिटी में काम किया है, और 4,600 का लॉस किया है, फिर 16,900 का पुट में काम किया, 4,200 का प्रॉफिट, मतलब ये बराबर हो गया आ गया। तो फिर यहाँ पर देखिए 2,350 क्वांटिटी, ये एक बार में नहीं ख़रीदा है, एक एक दो 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 करते 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 जब लोग लॉस दिखा रहा है, एवरेज करते गया करते गया, लास्ट में लॉस पोजीशन कर दिया, इसका बाइंग प्राइस दिखा रहा है अभी 9,98 और सेलिंग प्राइस 94, और क्वांटिटी देखिए 2,350। तो ये जो बाइंग प्राइस है सही नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल बाइंग प्राइस है, यहाँ पर की पोजीशन बहुत बार काट के छोड़ा ये भी हो सकता है। और देखिए लॉस यहाँ पर 3,775, 1,700 क्वांटिटी में, ये अगर एक लॉट में काम करता तो मैं बोल सकता था ये कभी भी लॉस में नहीं आता, अगर एक लॉट में बाय करके उसको 500 रुपया स्टॉप लॉस और 1,000 रुपया टारगेट रखता, 2,750 रुपया स्टॉप लॉस और 1,200 रुपया टारगेट रखता, तो ज़िंदगी में कभी इतना लॉस नहीं होता इसको,
लेकिन इसको ओवरटेक करने का दे दीजिए, यहाँ पर देखिए 5000 लॉस। यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ स्टॉक का ऑप्शन में भी काम किया है पहले, ये रिलायंस में काम किया है, रिलायंस का लॉट साइज आता है 250, मतलब यहाँ पर भी तीन लॉट, वो भी तीन लॉट में 4000 लॉस। और देखिए जब रिलायंस का प्रॉफिट हुआ है 24 रुपये, मान लीजिए 250 का लॉट साइज है उसमें 25 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, फिर 121 लाख, फिर 39 लॉस। फिर देखिए रिलायंस का इस कॉल में 1960 कॉल में दो लॉट में काम किया है, यहाँ पर 2532, ये मान लेता है रिलायंस वाला ठीक है। ये UPL का यहाँ पर भी। तो दोस्तों सीखने का है, ये बड़ा वीडियो हो गया। तो आप जब भी स्टॉक मार्केट काम कीजिए, सही जगह एंट्री कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपका स्टॉप लॉस नियर है तो आप उसको स्टॉप लॉस को छोटा और मत कर दीजिए, वहीं पर हिट होने दीजिए। बस आपको स्टॉप लॉस में फोकस करना है, टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस ही फॉलो करना है, मार्केट में आपका कैपिटल बचा रहेगा तभी आप स्टॉक मार्केट में बचे रहेंगे। अगर आपका विकेट के गिर गया, पूरा ऑल विकेट आउट हो जाएगा, तो आप मैदान से बाहर निकल जाएंगे। अगर विकेट बचा के रखते हैं तो आप खेल पाएंगे, रन भी बना पाएंगे। सेम ऐसा ही है, आप स्टॉप लॉस छोटा छोटा दीजिए, एवरेज कभी मत कीजिए, तब आप पूरा प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्योंकि एक मान लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 50 का, तो एक ही लॉट में काम करना है, बस दो ही लॉट में काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं, एवरेज कभी करना नहीं है। तो ओवरऑल मंथली में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपका एक ट्रेड गलत जाएगा, दो ट्रेड गलत जाएगा, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, महीने में 40 गो ट्रेड लेंगे, उसमें से 10 गलत जाएगा, 15 गलत जाएगा, लेकिन 20-25 तो सही रहेगा, उसमें से आप मंथली बेसिस में आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको डेली फोकस करना नहीं है, फोकस करना है आपको मंथली इनकम में, मैं भी यही करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक दिन और एक वीडियो लेकर आऊँगा ऐसा ही दूसरे अकाउंट का रिव्यू करने के लिए।